अगर आपके पास रियलमी का कोई भी डिवाइस है और उसमें आप कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, कंप्लीट इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको विदाउट अनाउंसमेंट के ही बताऊंगा आप कैसे कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग भी मैं आपको बताऊंगा, बस आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं। सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको डालना है प्ले स्टोर के अंदर फोन बाय गूगल, इस तरीके से डालेंगे फोन बाय गूगल। यहाँ से इस एप्लीकेशन को आप अपडेट कर लीजिए अगर आपका अपडेट नहीं है तो, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे इसे अपडेट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको आपके फ़ोन में यदि फ़ोन बाय गूगल ऐप नहीं है तो आपको कैसे करना वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। सबसे पहले इसे हम अपडेट कर लेते हैं, अगर आपका अपडेट है फिर आपको बताऊंगा आपको क्या करना है आगे। जैसे कि मैंने इसे फाइनली अपडेट कर लिया है, उसके बाद यहां से मैं बैक जाऊंगा। अब मैं अपने डायलर पे क्लिक करूंगा यहां पे, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया, अब यहां पे आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे कि आप यहां पे क्लिक करेंगे थ्री डॉट पे और यहाँ सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नीचे की तरफ मिलेगा कॉलर आईडी अनाउंसमेंट, तो इसे पे आप क्लिक करेंगे। इस अनाउंसमेंट को आपको नेवर पे क्लिक कर देना है और इसके बाद बैक चलना है। बैक चलेंगे इस तरीके से। अब यहाँ कहेंगे आपकी कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तरीका बताऊँगा आपको। जैसे मैंने इस पर कॉल किया, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। ये अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देगा, पहली बात तो देख सकते हैं, क्योंकि इससे हमने यहाँ से, ठीक है। अब जैसे मैंने कॉल रिकॉर्डिंग इतनी कर ली है, ठीक है, उसके बाद हम कॉल को डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग जो हुई है वो आपको इस तरीके से एक वॉइस का लोगो नज़र आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से सीधा आप सुन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हिस्ट्री में जाके आपको इस नंबर की सारी कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, जैसे कि वहाँ पे लिखा होगा लिसन टू रिकॉर्डिंग, इस पर क्लिक करके सीधा आप सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ शेयर वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ शेयर भी कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, और इसे सेव भी कर सकते हैं। डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और सीधा ये डिलीट हो जाएगा, और इसे अंडू पे क्लिक करेंगे फिर से आ जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे लाउड करेंगे और यहाँ पे नॉर्मल कर देंगे, ठीक है। ये तरीका आपको कैसा लगा ज़रूर आपको एक कमेंट में बताना होगा। आप इसी तरीके से रियलमी के स्मार्टफोन में कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में लेता हूँ, आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।